फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके तरफ से पूछे गए तीन लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैंने तीन लोगों के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसका हम आंसर देखने वाले हैं। और कल शाम 7 बजे मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जहां आपके तरफ से पूछे गए तीन लोगों के सवालों को जवाब दूंगा। तो आइए फ्रेंड देखें कि आज कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला वर्ड है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या होगा अगर, जैसे क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इफ यू फेल, यानी क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ। क्या होगा के लिए आपने लिखा व्हाट इफ, और आप अपने दूसरे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किए जो था यू फेल, क्या होगा अगर पुलिस आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इफ द पुलिस कम, यानी क्या होगा अगर पुलिस आ जाती है। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या होगा अगर वो मदद करने से मना कर दे। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस टू हेल्प, यानी क्या होगा अगर वो मदद करने से इनकार कर दे या मना कर दे। क्या होगा अगर बारिश हो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इफ इट रेन्स, यानी व्हाट इफ क्या होगा अगर इट रेन्स बारिश हो। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या होगा अगर वो मर जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इफ ही डाइज। फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन है अग्निश गिरी की तरफ से, और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एज टू क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि एज टू का मतलब के बारे में या के संबंध में। जैसे अगर लिखा हो आई नो नथिंग एज टू दिस लॉस, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं इस नुकसान के संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ, या मैं इस नुकसान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो एज टू का मतलब के संबंध में या के बारे में। सी सेड नथिंग एज टू When the work will start? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ काम कब शुरू होगा इस बारे में वह कुछ नहीं कही, या काम कब शुरू होगा इस संबंध में वह कुछ नहीं कही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि एज टू का मतलब होता है के बारे में या के संबंध में। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ या अंदर इव ऑफ का मतलब होता है के मौके पर, के अवसर पर, या के शाम। जैसे अगर आपको कहना हो वो अपनी शादी के सालगिरह के मौके पर मुझे बुलाई। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ हर वेडिंग एनिवर्सरी सी इनवाइटेड मी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब के मौके पर, या के अवसर पर, या के शाम। अगर आप चाहें तो ऑन द ओकेजन ऑफ के जगह पर ऑन द ईव ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं ऑन द ईव ऑफ हर वेडिंग एनिवर्सरी सी इनवाइटेड मी, यानी वो अपनी शादी के सालगिरह पर मुझे बुलाई। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। आई मेट हर फर्स्ट टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज। मैं उसे पहली बार अपने दोस्त के शादी के मौके पर मिला। फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि ऑन द ओकेजन मीन्स के मौके पर या के अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ दिवाली वी एंजॉयड अ लॉट, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि दिवाली की शाम या दिवाली के मौके पर या दिवाली के अवसर पर हम बहुत मस्ती किए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ऑन द ओकेजन ऑफ या ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के अवसर पर, के मौके पर, या के शाम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखा। अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।